सभी दोस्तों को नमस्कार जय हिंद मनरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम यूजीसी ने सब्जेक्ट हिस्ट्री के संबंधित कुछ संगम युग जो एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय का समय दक्षिण भारत के कुछ संगम संबंधी जो क्वेश्चन आंसर हैं उससे संबंधी प्रश्न उत्तर हैं उन पर बात करेंगे यह जो है टोटल थर्टी एट क्वेश्चन होंगे इसमें और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके यू जी सी नेट का एग्जाम हो चाहे आपका यू पी एस सी का एग्जाम हो और उत्तर प्रदेश पी सी एस का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल के जो ए ग्रेड और बी ग्रेड के लेवल हैं उनके लेवल हालांकि इन क्वेश्चनों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है और सबसे ज़्यादा तो नेट एग्जाम जे आर एफ अस्टेंट कमांडेंट पी करने वालों जो हिस्ट्री से पी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तो दोस्तों आज के क्वेश्चन चलते हैं नंबर एक पे सॉरी दोस्तों नंबर एक प्रश्न है रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है ए में दिया कालीबंगा बी में दिया अरिका मेंडू सी में दिया रंगापुर सी डी में दिया सतारा तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन अरिका मेंडू से प्राप्त प्रश्न नंबर दो संगम युग में वैली क्या था तो एक शब्द का प्रयोग होता था वैली का उस समय का सिक्का मापन का एक पैमाना कृषि दिया कृषि का डी मदिया एक सात्यक की तो दोस्तों उस समय का यह भूमि मापन के लिए एक पैमाना था यानी कि जो भूमि की संगम युग में नाप की जाती थी वह वै वैली नामक एक पैमाने से की जाती थी प्रश्न नंबर तीन है निम्न में से कौन से बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित है तो दोस्तों दक्षिण भारत का पूर्वी तट और दक्षिण भारत का पश्चिमी तट अगर आप बंगाल की खाड़ी से नीचे चलते हैं और उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र यानी कि नीचे तक वो पूर्वी हिस्सा हो जाता है दूसरी तरफ केरला कर्नाटक मद्रास जो ऊपर आपका बम्बई तक वो पश्चिमी तट हो जाता है तो आपको पूर्वी तट में के बारे में बताना है कावेरी पत्तम एक दूसरा कोर के तीसरा है मुसरी और चौथा है रेस्पोंडिंग तो आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिए तो दोस्तों कावरी पट्टम और कोर के दोनों पूर्वी बंदरगाह हैं प्रश्न नंबर चार संगम साहित्य में तोल का पीएम एक ग्रंथ है तो किस तरह का ग्रंथ है बहुत ही प्रसिद्ध है एक तमिल काव्य कविता का ग्रंथ है बी तमिल व्याकरण का ग्रंथ है सी तमिल वस्तु शास्त्र का ग्रंथ है और डी तमिल राजशास्त्र का है। तो दोस्तों तोल का पीएम जो है एक तमिल जो सात्य है उसका व्याकरण का एक ग्रंथ है बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदो और मौर्यों का उल्लेख किया एक कवि जो है ऐसे हुए हैं संगम काल में या तमिल कवि कह रोलो उनको उन्होंने जो है मौर्यों का और नंदवंश का वर्णन किया है ए में है सत्तानार बी में है कपिलर सी में है अगस्त्यु और डी में है मामुल नार तो डी जो ऑप्शन सही है मामुल नार प्रश्न नंबर छः अरिका मेंडू में कौन सा मृदभांड नहीं प्राप्त होता है तो इंडू में बहुत ज्यादा मृदभांड मिले हैं और वो ऐसे मृदभांड मिले हैं जो रोमन का कहना मतलब रोम के जो रहने वाले थे या रोम जो सभ्यता में मिले हैं रोम की बस्तु में मिले हैं एरेटाइन यह भी प्राप्त हुआ है बी एम फोरे मदिरापात यह भी प्राप्त हुआ है सी चक्रकृत मृदभांड यह भी चित्रदूषण मृदभांड जो है दोस्तों यह मौर्य काल के बाद के यानी कि मौर्य काल से शुरू होते हैं इधर जो है उत्तरी भारत में ज़्यादा प्राप्त हुए शिल्पा की दारम शिल्पादिकारम का लेखक कौन है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तमिल साहित्य है और ए में दिया है एलंगो बी में दिया है परंगण, सी में दिया है करिकाल डी में दिया है विष्णु स्वामी तो दोस्तों इसका जो है आठ का सॉरी सात का जो है एलंगो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं शिल्पा यानी कि हमारी मैं अभिनेत्री भी हैं इलंगो एक बहुत ही फेमस करैक्टर है तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं प्रश्न नंबर आठ है सूची एक को सूची दो से मिलाना है और आपको उत्तर देना है ए में दिया है तुरुकुला कोरल बी में दिया है लोक का पीएम और सी में दिया है शिल्पा अधिकारम और डी में दिया है मणि तो दोस्तों इसमें से एक का तो अभी हमने जिक्र किया था अब इसमें नंबर एक पे प्रेम कथा सूची दो में दूसरे में दर्शन तीसरे में जो है वणिक कथा और चौथे में व्याकरण तो इसमें दोस्तों पहले वाले का यानी कि तिरुकुरल जो है यह एक तरह की दर्शन संबंधी बुक्स है तोल का पीएम जो है बी नंबर जो है यह व्याकरण है और इसका पहले भी कोई आ चुका है शिल्पाधिकारम आपको जैसे पता ही है यह जो है एक लड़की के साथ कहने मतलब प्रेम कथा है और मणिमेकले जो है वणिक कथा है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ए का दूसरा बी का चौथा सी का पहला और डी का तीसरा प्रश्न नंबर नौ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से मिलती तो है तो दोस्तों एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रमाण मिलते हैं ए में दिया मदुरई बी में दिया हाँ, त्राम लिपि सी में दिया है तोडी डी में दिया है ंडू तो दोस्तों वह एक स्थल अरिका मेंडू है प्रश्न नंबर दस निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से पेरिप्लस ऑफ एरिथन सी के लेखक को ज्ञात था तो दोस्तों एक जो है बुक है जिसका नाम है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथन सी इसके लेखक का अभी तक पता नहीं चल पाया है लेकिन इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में भारतीय रोमों के संबंध के बारे में कुछ बंदरगाहों के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन मिल जाता है तो जो पोडू के नाम से था वो कौन सा था ए में दिया है अरिका मेंडू बी में दिया है तामलिपि सी में दिया है कोरके डी में दिया है वारवी वारवे किम तो दोस्तों ए ऑप्शन अरिका मेंडू प्रश्न नंबर ग्यारह एम फोरा जार होता था एक छिद्युक्त जार बी लंबा एम दोनों तरफ हत्ते वाला जार तीसरा चित्र दूसर जार डी जो है काला और लाल मिट्टी का जार तो दोस्तों लंबा एम दोनों तरफ हाथ से पकड़ने वाला हत्तेदार जार को जो है एम फोरा नाम से जानते थे या नाम दिया गया था प्रश्न नंबर बारह है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है तो दोस्तों इसमें दिया है नंदी कलम्बम बी में दिया है कलिंग त्रुपणिंग सी में दिया है पेरिया पुराणम और डी में दिया है कुराल या कुरल तो इसमें जो है बारह का आप देखें तो जो कुरल एक ग्रंथ है उसको लघु वेद कहता है दोस्तों वैसे चार वेद हैं ऋग्वेद अर्थवेद सामवेद और वेद, वेद, साम वेद, वेद। पांचवा वेद जो माना जाता है वो जितनी भी सही ये हैं आपके ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथों को पांचवा वेद अगर लघु वेद माना जाता है तो कुरल इसलिए आपको छह चीज़ें याद रखनी है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है प्रश्न तेरह है पांडे राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी तो दक्षिण भारत के तीन महत्वपूर्ण राजवंश थे वंश चोल वंश और पांडे वंश लेकिन पांडे वंश की जो जीवन रेखा थी वो किस नदी एक में दिया गोदावरी बी में दिया कृष्णा सी में दिया तुंगभद्रा डी में दिया की तो तीनों नदी अगर आप पहली वाली देखें तो ये पहले पड़ जाती हैं क्योंकि पांडव राज्य केरल में था और वहां पर ने दी तो डी ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर चौदह है संगम कपी कपिलर का आशय दाता कौन था ए कारिल कारी बी ओरी सी नली डी पारी तो इसमें डी प्रश्न नंबर पंद्रह पे चलते हैं दोस्तों कावरी पत्तम किनका प्रमुख बंदरगाह था तो दोस्तों आपको एक बार जो चेर है चोल है और पांडव इन तीनों का दक्षिण भारत का मैप को देखोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा और उस मैप में नदी और नदी के साथ वहां के जो है बंदरगाह एक बार आपने मैप को इसको समझना पड़ेगा तो यह चोल जो आज का इधर कर्नाटक इधर सॉरी कर्नाटक का मैं बोल रहा हूँ उड़ीसा साइड से लेकर नीचे केरल तक का हिस्सा था यहाँ पर चोल रहते थे तो यह चोलों का एक बंदरगा था प्रश्न नंबर सोलह है सूची एक को सूची दो से मिलाना है सूची एक में कुण में बी में जो है माँ सी में वरियार डी में मंदरम दिया है ये कुछ नाम दिए हैं जो दक्षिण भारत के कर वसूलने वाला अधिकारी राजा का न्यायालय भूमिकर भूमि में पैमाइस की इकाई तो एक का तीसरा है कुड़ में जो होता था भूमिकर था एक यानी कि जो भूमि कर लिया जाता था उसका नाम कुड़ में था और बी जो माँ भूमि के पैमाइश की इकाई को माँ बोला जाता था और वरियार जो था कर वसूलने वाला अधिकारी और मनरम जो था राजा का न्यायालय को मनरम बोला जाता था तो इसका ए का तीसरा बी का चौथा सी का पहला डी का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नहीं ए ऑप्शन प्रश्न नंबर सत्रह सिंगम संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिक उत्सव के रूप में इंद की विशेष प्रकार की पूजा की जाती थी दक्षिण भारत में एक स्थान ऐसा था जहाँ पर एक साल में एक त्यौहार मनाया जाता था और वह इंद्र की पूजा के लिए होता था एम दिया पुहार बी म दिया रिकमेंडू सी मिया मदुरई उरई और तो दोस्तों पुहार एक स्थान है जो बंदरगाह भी है यह भी चोलों का बंदरगाह तो यहाँ पर मनाया जाता है युगिन किस राज्य से व्यापार मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में गया था तो संगम के युग में जो एक व्यापार मंडल रोम के सम्राट जो था वहाँ का अगस्तम उनके दरबार में या उनके यहाँ पर गया था ए चोल बी पांडव राज्य सी चेर या डी उपरोक्त सभी तो दोस्तों 18 का जो बी पांडव राज्य के, के द्वारा एक व्यापारिक मंडल भेजा गया था रोम प्रश्न नंबर उन्नीस पांडव शासक नेड्डू जेलियन प्रसिद्ध तलया तलगाम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था ए चोलों के बी चेर के सी चोल और चेरों के डी चोल चेर और पांच राजाओं के तो दोस्तों उन्नीस का जो है डी चेल चोर तथा पांच राजाओं से जीता था प्रश्न नंबर बीस दो सूची दी है एक सूची में कुरल रचनाओं के नाम हैं शिल्पाधिकारम मणि मेखले तोलकापियम दूसरी तरफ उनके रचिता का नाम दिया गया है उनके, उनके रचनाकार तो दोस्तों ए में दिया है नंबर एक पर दिया है अलंगो आर्डिगल बी में दिया सत्यनार सत्यनार तीन में दिया है तोलकापियर और चौथे में दिया है तिरुवल्लुल्लुवर तो इसमें दोस्तों बीस का अगर आप देखें तो ए का चौथा जैसे मैंने बताया ये आपको कुरल त्रुवल पहले भी आ सका शिल्पाधिकारम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ लंगों के नाम से याद रख सकते हो मणि मेखले का जो सत्तार और तोल का पीएम का जो उनके नाम से ही बुक के नाम से ही आपको पता जाएगा तोल का पीआर तो इसका ऑप्शन ए का चौथा बी का पहला सी का दूसरा डी का तीसरा यानी कि हो जाएगा प्रश्न नंबर इक्कीस निम्न में से कौन सा शासक चेर वंश से है सेनगुटवन, बी में है इदन जोरिल सी में जो है करिकाल और डी में नेत दल तो दोस्तों पहला वाला सेनगुटवन चेरवंशी शासक है प्रश्न 22. संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरगन की पहचान किस देवता से की जाती है ए शिव से बी बल, राम से सी स्क से डी कृष्ण से तो दोस्तों 22 का जो है सी ऑप्शन जो निशान लगा है सही है पेरिप्लस प्लस द दिथन सी में उल्लेखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते है तो दोस्तों ए कैमारा बी पडुका सी सोपात्मा, डी कालची तो कालची प्रश्न चौबीस है प्राचीन भारत के इतिहास ने इस प्रकार इतिहास का लिखा कहने मतलब प्राचीन कालीन इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही न हो यह कथन किसका? यह बात कही है इतिहासकार ने के प्राचीन काल के इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है उसको इस प्रकार लिख दिया जिस प्रकार दक्षिण भारत का कोई इतिहास न हो ए में राय चौधरी बी में नीलकंठ शास्त्री सी में स्मिथ डी में मैस्त्रीच तो दोस्तों चौबीस का जो है स्मिथ ने यह बात कही है कि प्राचीन काल के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिख दिया कि जैसे भारत दक्षिण भारत का इतिहास है प्रश्न नंबर पच्चीस पदितुप में से किस राजाओं की स्तुति का संग्रह नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ए बी चोल सी तो दोस्तों ट्वेंटी फाइव का चेर प्रश्न नंबर छब्बीस निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पतन पुहार स्थित था तो दोस्तों ए कावेरी बी पेरियार सी त्राम्पणी डी वेगई। तो ट्वेंटी सिक्स का जो है कावेरी नदी के मुहाने पर जो है पुहार बंदरगाह स्थित था प्रश्न नंबर सत्ताईस संगम सात्य किस भाषा में लिखा गया था ए मलयालम बी तेलुगु सी तमिल डी कन्नड़ ट्वेंटी तो सेवन का दोस्तों सी तमिल मतलब तमिलनाडु सबसे नीचे है उसी के हिसाब से आप याद रख सकते हैं तमिल में लिखा गया था। संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन बंदरगाह था ए पुहार बी तोड़ी डी नेल किंडा तो ट्वेंटी एट का दोस्तों ए पुहार प्रसिद्ध क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द्वितीय संगम का आयोजन निम्न से कहाँ हुआ ए कांचीपुरम बी कपाटपुरम अलवे सी मदुरई डी तंजावुर तो कपाल प्रश्न नंबर तीस निम्न में से कौन सा कथन तृतीय संगम के विषय में सही नहीं है ए नकिरण इसके अध्यक्ष थे बी इसमें कुराल कुरल की रचना की गई थी सी इसमें पदितापुटम की रचना हुई थी इसमें तोलक प्रियम की रचना हुई थी तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन ये सही नहीं है ऊपर वाले सभी सही हैं प्रश्न इकतीस कन्गी सत्वी देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है ए मणिमेखले में बी कुरल में सी में, डी शिल्पाधिकार में तो दोस्तों डी शिल्पाधिकार में मिलता है प्रश्न बत्तीस है निम्न में से कौन सा चेर राज्य में के पत्तन थे ए पुहार, बी मुसुरी, सी सालियूर डी तोड़ी तो इसमें दो और चार मुसीरी और तोड़नी यह जो है चेर राज्य के पत्थर थे प्रश्न तैतीस किस दक्षिणी भारतीय राज्य का उल्लेख मैगतनीज की इंडिका में हुआ ए पांडव राज्य बी चेर सी सत्यपुत्र डी चोल तो तैतीस का जो है ए पांडव राज्य का उल्लेख मैगस्तनी इंडिका में किया गया प्रश्न चौथी तीसरा संगम के अध्यक्ष थे सी त्रिपु मेरिट डी मुदीन नगरियर तो इसमें थर्टी फोर का दोस्तों ये ऑप्शन जो ऊपर आया भी है नकार इसके अध्यक्ष थे जहाँ पूछा गया था तीत्य संगम के विषय में सही नहीं है प्रश्न पैंतीस है किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है ए ने, बी मामुल नार ने सी डी रत्नार ने तो दोस्तों नार ने संगम लेखकों के जो है संगम लेखक जो थे उन्होंने नंदों नंद वंश जो यहाँ पर था पटना पाटलिपुत्र में उसके सचिद धन का उल्लेख किया है कोर के मधुराई प्रमुख नगर एम पत्तन थे ए पांडो के बी चोलों के सी चेरो के डी होशहर के तो पांडो के थे थर्टी सिक्स का ए थर्टी सेवन में सम्मिलित करना है एक तरफ राजा दिए हैं उदन जेराल बी करिकाल सी निदिओन डी सिंह विष्णु दूसरे राजवंशी हैं चेल चोल पांडव पल्लव तो आपको एक ही अगर इसमें मालूम है तब तो भी आप इसका उत्तर दे सकते हो जैसे उदयन जेराल चेल कहना मतलब करिकाल चोल निदिओन पांडव सिंह विष्णु पल्लव यानी कि आपको सिंह विष्णु पल्लव भी याद है तो एक डी का चौथा तो डी का चौथा एक ही में है ए ऑप्शन सही हो जाएगा किस संगम ग्रंथ के मगध ब्रज एवंती राज्यों का उल्लेख हुआ है किस संगम ग्रंथ में मगध का ब्रज का एवं राज्यों का उल्लेख हुआ है ए तोलकापियम में बी कोरल में सी शिल्पाधिकारम में डी मणिमेखले में तो यह शिल्पाधिकारम में उल्लेख हुआ है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन यह आपके लिए संगम साथ्य से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर नहीं जाएगा और आपने अगर इसको देख लिया तो आने वाले किसी भी प्रकार के संगम साथ से आप आसानी से कर पाए दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दें साथ ही दोस्तों को शेयर कर लें जिनको ज़रूरत है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली वीडियो मिलती रहे अगेन थैंक्स धन्यवाद